नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम अपनी पेंटिंग का जो अगला पार्ट है, दैट इज मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शेख, वो करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पेंटिंग का क्या नेम था? मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शेख। पेंटर कौन थे? हाजी मदनी। जो मेन आपको याद रखना है, नेम, पेंटर का नेम, इसका मीडियम क्या था, ये कब बना और किस पीरियड में बना, इसका टेक्निक क्या था, कहाँ पे इसकी कलेक्शंस है और कुछ इसकी खास बातें इसमें बेसिकली दिखाया क्या गया है। ठीक है, तो इसके पेंटर थे हाजी मदनी। जो मीडियम था, दैट इज वाटर कलर ऑन पेपर। कब बनाया गया? 1740 से 1750 AD के बीच में। जो पीरियड था, जिस पीरियड में बनाया गया, दैट इज प्रोविंशियल मुगल पीरियड। टेक्निक था टेम्परा और कलेक्शन वही नेशनल म्यूजियम जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा कि हाजी मदनी वाज कंपोज्ड हिज मिनिएचर वेरी प्लेसिडी एंड क्लियरली ऑन अ बिगर पेपर। जो ये थे बेसिकली हाजी मदनी, उन्होंने जो अपने इनकी पेंटिंग थी मिनिएचर, इसको एक बड़े से पेपर पे बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, बनाया है विथ टेम्परा टेक्निक। टेम्परा टेक्निक के साथ, जो कि वाटर कलर से बनाया गया है 1740 से 1750 AD के बीच में। ओके, इन दिस मल्टी कलर्ड एंड एक्सटेंसिव पेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैज बीन शोन ऑन द राइट साइड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड अनदर ऑन इज द लेफ्ट साइड माउंटेड ऑन हॉर्स। कह रहा है कि इसमें ये दिखाया गया है कि भाई इस पेंटिंग में अगर ध्यान से आप देखें तो कह रहा है कि जो आपका लेफ्ट साइड है उसमें जो लोग हैं हॉर्स पे खड़े हैं, हॉर्स पे बैठे हुए हैं, और राइट साइड में जो लोग हैं वो धरती पे ऐसे ही खड़े हुए दिखाए गए हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट। ठीक है, कह रहे कि कुछ लोग रोज में खड़े हैं और कुछ जो है इसमें कॉलम्स में भी हैं। ओके, आगे चलते हैं। इन दिस पेंटिंग द पेंटर हैज शोन द डिस्टिंक्टिव मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शेख। यानी कि इस पेंटिंग में बेसिकली जो लोग खड़े हैं, समझ लीजिए जैसे बारात आती है तो कुछ लोग लड़के वालों की तरफ से होते हैं, कुछ लड़कियों वाले की तरफ से, ठीक उसी तरह से इसमें दारा शेख में जो घोड़े पे लोग दिखाए गए हैं, दैट इज बारात बनकर दारा शेख में आए हैं और यहाँ पे जो लोग बेसिकली स्वागत करने के लिए इनका यहाँ पे खड़े दिखाई गए हैं। ठीक है, द एलिफेंट हैव बीन यूज फॉर फीमेल मेंबर ऑफ ग्रूम साइड। जो एलिफेंट है वो दिखाया गया है किसके? फीमेल मेंबर के, ग्रूम साइड के लिए। अ फ्यू मेल मेंबर ऑफ मैरिज प्रोसेशन हैव ऑल्सो बीन माउंटेड ऑन एलिफेंट फॉर बीटिंग द बिग साइज कैटल ड्रम्स। कह रहे कि जो बिग साइज कैटल ड्रम है उसको बीट करने के लिए भी कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। ऑन द राइट साइड द पेंटर हैज शोन अ वेल इक्विप्ड ग्रुप ऑफ द पीपल और ब्राइड फैमिली। जो राइट साइड में है, जो बेसिकली उसको ब्राइड फैमिली के जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनको दिखाया गया है। लेडीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ग्रुप। इस ग्रुप में लेडीज भी मौजूद हैं। थ्री पर्सन्स हैव बीन शोन वेटिंग ईगरली टू वेलकम द ग्रूम एंड एसोसिएट्स। कह रहा है कि जो अदर एसोसिएट्स और ग्रूम है उसको वेलकम करने के लिए यहाँ पे तीन लोग खड़े दिखाए गए हैं। ओके, इन द मिडिल ऑफ द पिक्चर, जो पिक्चर का बिल्कुल मिडिल पार्ट है उसमें कह रहा है कि द पेंटर है सोन दारा शेख माउंटेड ऑन अ हिल एंड हर्टी डार्क ब्राउन कलर्ड हैप्पी कॉस हॉर्स। जो बेसिकली कह रहा है कि पेंटिंग अगर देखे बीचों बीच में, ये जो ब्राउन कलर की हॉर्स है उसके ऊपर दारा शेख बैठे हुए हैं। ओके, इन वेल डेकोरेटेड रॉयल अपेरल्स, जो कि दिखा रहा है कि भाई एक क्या है, जो इनको देखने से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक रॉयल, एक राजा की तरह है। कवरिंग हिज फेस विद द स्ट्रैंड्स मेड ऑफ पियर्ल्स। कह रहा है कि जो इन्होंने अपने फेस को कवर कर रखा है वो किससे से कर रखा है? स्ट्रैंड, जो कि किससे बना हुआ है? पियर्ल्स से बना हुआ है। द पर्सन ऑफ रॉयल फैमिली आर स्टैंडिंग टूगेदर विद हिम। जो रॉयल फैमिली के पूरे पर्सन है उनके साथ में वहीं पे खड़े दिखाए गए हैं। बिहाइंड हिम हैज बीन शोन शाहजहां माउंटेड ऑन अ कैप्रिकॉस हॉर्स। जो शाहजहां है वो भी उनके पीछे, यहाँ पे देखे तो ये शाहजहां की पिक बेसिकली दिखाई गई है, जो उनके पीछे हॉर्स पे खड़े हैं। इन रॉयल अपीयरेंस एंड मैनर, ये भी बिल्कुल राजाओं की तरह। ठीक है, अराउंड हिज फेस हैज बीन शोन ऑल्सो अ ग्रीन कलर। देखें इनके फेस के बगल में क्या है, ग्रीन कलर दिखाया गया है। ओके, इन द बैकग्राउंड सम स्पेस हैव बीन लेफ्ट ब्लैंक। इनके बैकग्राउंड में कुछ स्पेस खाली छोड़ा गया है। द कलरफुल डिस्प्ले ऑफ फायर वर्क्स हैव बीन शोन इन बैक पार्ट ऑफ द पिक्चर। इस पिक्चर के अगर बैक पार्ट में देखें यहाँ पे, तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसके लिए फायर वर्क यानी कि पटाखों को जलाया जा रहा है। इन फ्रंट पार्ट ऑफ यंग बॉय हैज बीन शोन डांसिंग। फ्रंट पार्ट में देखें तो यहाँ पे लड़के लोग डांस कर रहे हैं, उसको भी दिखाया गया है। सम पर्सन ऑफ द ब्रीड ग्रूम साइड टेकिंग अ वेल इक्विप्ड प्लेट एज अ गिफ्ट और स्टैंडिंग इन द फ्रंट रो। और यहाँ देखे तो भाई फ्रंट रो में कुछ लोग खड़े हैं जो कि एक तरह से उनका स्वागत करने के लिए गिफ्ट्स हाथ में ले रखे हैं। ऑर्डरली कंस्ट्रक्शन अराउंड द फोर साइड ऑफ दिस पेंटिंग विद द रेड एंड ब्लू कलर्स ऑन अ बेस ऑफ गोल्डन कलर आर यूज एज अ बॉर्डर। इस पेंटिंग के देखे चारों साइड बेस के लिए बेसिकली गोल्डन कलर का यूज किया गया है और कहीं पर रेड और कहीं पर ब्लू भी दिखाया गया है एज अ बॉर्डर।
ओके द स्किल्स एंड एंड्योरेंस ऑफ द पेंटर इज प्रेस वर्दी, कह रहा कि जो इसकी स्किल है और पेंटर है काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। दिस पेंटिंग इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ सूबाई मुगल स्टाइल और प्रोविंशियल मुगल स्टाइल, कह रहा कि जो प्रोविंशियल मुगल स्टाइल था और सूबाई मुगल स्टाइल था, जो ये दो पेंटर थे बेसिकली मुगल काल का जब क्या हुआ था समाप्ति हुई थी उस टाइम में ये दो पेंटर्स उभर कर आए थे, तो उनके पेंटिंग का एक नमूना यहाँ पे पेश किया गया है, दैट इज मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शेख में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या दिखा है अगर ओवरऑल हम देखें तो दारा शेख की शादी के ऊपर पूरी की पूरी ये मैरिज बनाई गई है। ठीक है, ये था इस वीडियोज में, इंपॉर्टेंट है, मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले पेंटिंग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।